हेलो एवरीवन, आई एम राधेश अग्रवाल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी क्यूआर में। एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट बायोलॉजी। साइंस में हम लोग कवर करने वाले हैं आज की डेट में बायोलॉजी में जेनेटिक्स। मैं आपको बता दूं, जेनेटिक्स जो है मेरा काफ़ी फेवरेट टॉपिक में से एक है। मेरा फेवरेट टॉपिक में से एक है। काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीके से आज हम इसको पढ़ने वाले हैं। बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है सेशन। जेनेटिक्स में हम पढ़ेंगे जीन्स क्या होते हैं, कहाँ होते हैं, कैसे डेवलप होते हैं, इनके अंदर क्या चेंजेस आते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती हैं, कहाँ और कैसे बदलते हैं, लोगों को कैंसर हो जाता है, तो हर एक चीज़ जो है जीन्स में आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जेनेटिक्स का हिंदी में मतलब होता है, आप बायोलॉजी को जानते हो, बायोलॉजी को हम जीव विज्ञान बोलते हैं और जेनेटिक्स को हम बोलते हैं अनुवांशिकी। ओके, यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, इसी के साथ आपको इस टॉपिक में मैं आपको बताने वाला हूँ डीएनए और आरएनए के बारे में भी। ठीक है, आगे जाके आपको पता चलेगा कि ये जीन्स जो बने होते हैं वो डीएनए के बने हुए होते हैं। ठीक है, या फिर हम इसको कहें कि जीन्स जो है या डीएनए जो है जीन्स का पार्ट है। क्लियर हुआ यहाँ तक? ठीक है, आज हम इसके बारे में काफ़ी हद तक चर्चा करने वाले हैं। चलो अब ना जीन्स के बारे में थोड़ा सा जो है डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, किसके बारे में? जीन्स के बारे में हम स्टार्ट करते हैं। आपने सुना होगा कि किसी का जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा स्ट्रांग होता है, किसी का वीक होता है ना। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे थोड़ा बहुत और आपने इसके बारे में पढ़ा होगा। ठीक है, मतलब अगर आप बॉडी को ऊपर से नीचे की तरफ देखें, ठीक है, तो ये जो आपकी बॉडी जो है ना, जैसे मेरा यहाँ पे जो फ़ोटो दिख रहा है आपको, ये जो फ़ोटो दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पर मेरी बॉडी को, पूरी बॉडी नहीं दिख रही है इसमें। ठीक है, मेरी बॉडी में अगर देखोगे या फिर किसी भी बॉडी की बात करोगे तो इसमें क्या होता है, ठीक है, सेल्स होते हैं। ये किससे मिलके बनी होती है? सेल से मिलकर बनी होती है। बिलियंस और ट्रिलियंस सेल से जो है मिलके बनती है। आपको पता होगा कि सेल जो है बेसिक यूनिट है किसकी, स्ट्रक्चरल या फिर बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है ना। तो सेल क्या है? आपका बेसिक यूनिट है। क्लियर। और सेल के अंदर आपने और भी पढ़ा होगा कि सेल में न्यूक्लियस होता है ना। सेल में न्यूक्लियस होता है, इसके अंदर और क्या होता है? देखो, सेल में हो गया न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के अंदर आपको क्या देखने को मिलता है? क्रोमोसोम देखने को मिलते हैं। ठीक है, क्रोमोसोम्स कितने होते हैं? 46 होते हैं, है ना, 23 पेयर और टोटल 46। इसके अंदर आपको और क्या मिलता है? इसके अंदर जीन्स मिलते हैं। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं जीन्स की, है ना, कि कहाँ पर पहुँचे आप? सेल से न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स के अंदर भी क्या होते हैं? जीन्स होते हैं। अब जीन्स किससे मिल के बने होते हैं? डीएनए से मिल के बने होते हैं, है ना। आप इसके बारे में थोड़ा सा और पढ़ोगे, आप पाओगे कि एक जीन्स के अंदर कितनी इन्फॉर्मेशन होती है, आप यकीन कर पाओगे? एक जीन के अंदर कितनी इन्फॉर्मेशन होती है? दुनिया की कितनी भी बड़ी लाइब्रेरी हो, उसमें इन्फॉर्मेशन नहीं होगी इतनी एक जीन जो है कैरी करता है ना। इतनी बड़ी इन्फॉर्मेशन एक नेचुरल प्रोसेस के द्वारा इनबिल्ट की जाती है ना। आपकी हर एक इन्फॉर्मेशन किस में मौजूद होती है? डीएनए में मौजूद होती है ना। आपने थोड़ा सा सुना होगा, कहीं जैसे कोई दुर्घटना हुई है या कोई केस हुआ है ना, कोई क्राइम हुआ है ना, जैसे क्राइम, जैसे चोरी चकारी हो गई या फिर कोई रेप केस हुआ है ना, तो वहाँ पर अगर किसी का एक बाल भी मिल जाता है ना, एक हेयर भी मिल जाता है, तो वो आपका, आपके बारे में, आपकी जन्म कुंडली से लेके हर एक चीज़ पता लगा लेंगे, है ना। फॉरेंसिक वाले जिसको हम टर्म करते हैं, फॉरेंसिक टीम आती है वहाँ पर, सारी चीज़ें चेक करती है, कहाँ पर क्या मिल रहा है, क्या छूटा है, तो वो उससे क्या है, हर एक चीज़ पता लगा लेते हैं। तो किसके कारण होता है? वो डीएनए के कारण होता है ना।
तो इस सब चीज़ के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। ये हम ना प्रैक्टिकली बात कर रहे हैं ना, थ्योरेटिकली भी बात करेंगे, अभी सिर्फ प्रैक्टिकली चल रहा है आपका, है ना। तो अभी तक हमने क्या क्या देखा, क्या क्या पढ़ा? हमने देखा कि एक सेल है ना, सेल कहीं से भी ले लो आप, यहाँ से एक सेल निकाल लिया आपने, एक सेल निकाल लिया, सेल में क्या हो गया, न्यूक्लियस हो गया आपका, सेल में न्यूक्लियस होता है ना। सेल के लिए आपको अगर चाहोगे सेल को पढ़ना, तो मैं सेल के लिए अलग एक लेक्चर बना सकता हूँ, थोड़ा सा ये भी थोड़ा लेंदी टॉपिक है, लेकिन आई विल कवर इट अप इन वन वीडियो, ठीक है। अगर आपको ज़रूरत है इसके ऊपर बनवाने की, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ठीक है। मैं अभी ये मान के चल रहा हूँ कि आपने सेल के बारे में पढ़ा हुआ है, ठीक है। ओके, सेल सेल में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में मैंने बताया क्रोमोसोम्स होते हैं, है ना। क्रोमोसोम्स आपको पता होगा 46 होते हैं। इसमें जो पहला पेयर होता है वो थोड़ा सा बड़ा होता है साइज़ में, है ना, साइज़ में क्या होता है, थोड़ा बड़ा होता है, फिर छोटे 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 होते जाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद बात आती है किसकी, जीन की, है ना, जीन्स की, ठीक है। फिर क्या आ गया आपका, जीन्स आ गया, है ना। अब इसके बारे में भी आपको बता दूँ मैं हल्का सा, कि इसमें भी पेयर होते हैं, है ना, जीन्स में भी पेयर होते हैं, ठीक है। इसमें करीब 25,000 के आसपास जो है पेयर देखने को मिलते हैं, जो कि आपके मदर और फादर से आपको मिलते हैं, है ना, मदर और फादर से, ठीक है। जैसे नॉर्मली आपने देखा होगा, जैसे क्रिस गेल, या फिर अफ्रीकन कंट्री को किसी को भी ले लो, है ना, अफ्रीकन्स आपको पता होगा, है ना, थोड़े से स्ट्रांग होते हैं, है ना। जैसे हमारे यहाँ सालों, जैसे 1-2 साल 3 साल जिम जाके लड़का जो बॉडी बनाता है, वो उनकी पहले से होती है ना, उनको वो चीज़ कह सकते हैं कि गॉड गिफ्टेड है ना। तो वो उनके जीन्स का कमाल है ना, उनके मम्मी पापा जो है स्ट्रॉन्ग रहे हैं, फिर उसके बाद उनको, फिर उसके, ये क्या है जो है हेरिडिटी का जो है ट्रांसफ़र जो है देखने को मिलता है हमें, है ना। जो एक्चुअली थोड़ा हट्टे कट्टे होते हैं, 6 फीट प्लस हाइट होती है उनकी, और मसल्स जो है अच्छी देखने को मिलती हैं, है ना। तो ये उनके किसका कमाल है, जीन्स का कमाल है, क्लियर। तो ये हल्का सा आपको हो गया ब्रीफ, है ना। और चलो आगे इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। फिर इसमें जीन, जीन के बाद क्या आएगा आपका, ठीक है, जीन के बाद क्या आएगा आपका, डीएनए, है ना। हमने सेल, सेल में से न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से क्रोमोसोम, क्रोमोसोम से आपका आ गया जीन, और जीन के बाद आ गया आपका डीएनए, ठीक है ना। डीएनए का स्ट्रक्चर, डीएनए क्या होता है, कैसे क्या, सब कुछ जो है हम इसके बारे में पढ़ेंगे, क्लियर। चलो ये थोड़ा हो गया आपका प्रैक्टिकली, है ना। अभी चलते हैं थोड़ा सा थ्योरेटिकली, जो हम मूव करते हैं, है ना। तो थ्योरेटिकली मूव करते हैं, ये देखो ये है आपकी थ्योरी, हम इसमें देखेंगे, ठीक है। जैसे पिछले लेक्चर में क्या क्वेश्चन बना के हम जो है आंसर कर रहे थे, अभी इसमें पहले हम थ्योरी पूरी पढ़ लेते हैं, उसके बाद कहाँ कहाँ क्वेश्चन कैसे कैसे बन सकते हैं वो मैं बता दूंगा आपको, क्लियर। फिर उसके बाद मैं एक क्वेश्चंस का, प्रॉपर क्वेश्चंस का एक सेशन लेके आ जाऊंगा, एक वीडियो जो है लेके आ जाऊंगा, उसमें हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे क्वेश्चन और आंसर, है ना, एक एमसीक्यू टाइप, है ना, और एक स्टेटमेंट टाइप, हम दोनों तरीके से जो देख लेंगे, जो क्यू एंड ए फॉर्म जो है हमारी, उसको हम कंटिन्यू करेंगे, क्लियर। अभी इसको थोड़ा सा जो है आगे देखो क्या लिखा है, जीन इज़ ए बेसिक फिजिकल फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी, है ना। ये किससे बनी हुई होती है, या बेसिक यूनिट जीन क्या है, बेसिक यूनिट है किसकी, हेरिडिटी की। जीन्स आर मेड अप ऑफ डीएनए, ये क्वेश्चन तो आपका यही हो गया, है ना। ये क्वेश्चन आपका यहाँ से जो है एग्जाम में देखने को मिल सकता है आपको, कि जीन्स जो है किससे मिलके बने होते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मिल गया आपको डीएनए से। नेक्स्ट पॉइंट में अगर हम बढ़ते हैं आगे, तो सम जीन्स एक्ट एज इंस्ट्रक्शन टू मेक मॉलिक्यूल्स कॉल्ड प्रोटीन्स। अब एग्ज़ाम में आपको पूछा जा सकता है, क्या जीन्स जो है प्रोटीन से मिलके बने होते हैं, या इनको प्रोटीन कहा जाता है, या कुछ भी इसके इधर उधर स्टेटमेंट फॉर्म में, या आपको जो है एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, कुछ जीन अणुओं को प्रोटीन बनाने के निर्देश के रूप में कार्य करते हैं, ठीक है। तो प्रोटीन बनाते हैं या नहीं बनाते, ये पूछ लिया जाएगा, तो यस हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन ये बन गया आपका, ठीक है। हाउ एवर मैनी जीन्स डू नॉट
कोड फॉर प्रोटीन्स। इसमें ये चीज़ भी ठीक है आपकी कि कुछ जो है जीन वो प्रोटीन को कोड नहीं करते हैं, उसके लिए नहीं करते हैं, है ना। फिर इन ह्यूमंस जीन्स जो है वेरी इन साइज ए फ्यू हंड्रेड डीएनए बेसिस टू मोर देन 2 मिलियन बेसिस। यहाँ पे संख्या बता दी आपको, 2 मिलियन बेसिस बता दी, क्लियर। फिर आगे यहाँ पे और क्वेश्चन आपको क्या देखने को मिल सकता है, द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ओके ठीक है, इसमें बताया है, इस वाले प्रोजेक्ट में क्या बताया, इनकी संख्या के बारे में, ठीक है, 20,000 से 25,000, जो कि मैंने अभी आपको बताया था ना, उसमें जब मैं प्रैक्टिकली आपको समझा रहा था तो मैंने कहा 25,000 में ये भी पेयर से मिलके बने होते हैं, ये एक मदर से मिलता है, एक फादर से मिलता है ना, ये चीज़ मैंने आपको बता दी, ठीक है। तो इसके ये इस थ्योरी के या इस प्रोजेक्ट के द्वारा जो है पता लगाया गया, एस्टिमेट किया गया, क्या 20,000 से 25,000 के बीच में क्या होते हैं, जीन्स होते हैं आपके। यहाँ तक क्लियर हुई चीज़ें? यहाँ पे क्वेश्चन किस किस से बन सकते हैं, ये किस से मिलके बना होता है, ये प्रोटीन बनाते हैं या नहीं बनाते, इनका साइज और इनकी संख्या, क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ओके। देखो यस, हाँ, सेल लिया, सेल के बाद हमने देखा न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में क्रोमोसोम, ये हो गया आपका क्रोमोसोम, और ये क्या हो गया आपके जीन, ठीक है। जीन के भी अंदर क्या होते हैं, डीएनए होते हैं आपके, है ना। तो ये चीज़ धीरे धीरे हम जो है इमेज के थ्रू और थ्योरी के थ्रू जो है हम पढ़ते जाएंगे, ठीक है। आप देखो यहाँ पर पढ़ते हैं इसके बारे में थोड़ा सा, और कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, और हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है ना, वो सारी चीज़ें हम जो है आगे देखते हैं। टर्म जीन वॉज गिवन बाय जॉनसन, किसके द्वारा, ये जो जीन जो हम पढ़ रहे हैं, जेनेटिक्स पढ़ रहे हैं, जेनेटिक्स में जो जीन जो वर्ड है वो किसने दिया, जॉनसन ने दिया, कब दिया, 1909 में दिया, क्लियर, ठीक है। फिर उसके बाद देखो ये जो स्ट्रक्चर मैं तब से बता रहा हूँ, सेल, न्यूक्लियस, क्रोमोसोम और फिर ये डीएनए, ठीक है। तो ये चीज़ आप जो है ध्यान रखना, क्लियर। अब देखो हमने एक पहला पॉइंट पढ़ लिया, ठीक है, किसने दिया, जॉनसन ने दिया। अब इसके बाद आगे आता है मोस्ट इम्पोर्टेंट, फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है, जॉर्ज जॉन मेंडल, क्लियर। आपने इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ा होगा, है ना, शायद, या फिर नहीं पढ़ा तो मैं अभी आपको क्या कर देता हूँ, ब्रीफ कर देता हूँ इसके बारे में, क्लियर। इसमें इन्होंने ये कहाँ से, पहले ये बता दूँ मैं कहाँ से बिलोंग करते थे, ये जो आज के समय में चेक रिपब्लिक जो है ना, चेक रिपब्लिक, ये वहाँ से बिलोंग करते थे, ठीक है। इन्होंने जेनेटिक्स के ऊपर काफ़ी जो है रिसर्च करी, और इनके बारे में आपने एक पी की जो है मटर के दाने के ऊपर, या मटर के ऊपर जो है इनकी एक थ्योरी है, ये करीब करीब आपका 1860s में जो है, 18th century में ना, 1860s में जो है इन्होंने इनकी थ्योरी आई, है ना। इन्होंने बताया कि जो हेरिडिटी है, एक्चुअल में हेरिडिटी ट्रांसफ़र कैसे होती है ना, मम्मी पापा से बच्चों पर कैसे जाती है, है ना। तो इन्होंने ना, इनकी थ्योरी के आने के बाद ना चीज़ें बदल गई, है ना। तो हेरिडिटी ट्रांसफ़र के बारे में किसने बताया, जॉर्ज जॉन मेंडल ने बताया, और इनकी थ्योरी कब आई थी, नियर बाय अराउंड आई गेस 1866 में आई थी, आई एम नॉट दैट मच श्योर, बट 1860s का टाइम था, क्लियर। फिर उसके बाद जो है इनका, इन्होंने काफ़ी जो है एक्सपेरिमेंट किए, है ना, काफ़ी इसके बारे में, जेनेटिक्स के बारे में एक्चुअल में इन्होंने ही बताया, इसीलिए इनको क्या कहते हैं, फादर ऑफ जेनेटिक्स बोला जाता है, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, इसके इनके बारे में थोड़ा सा और बताता हूँ, मैं एक क्वेश्चन भी पुट अप करूँगा आपके बारे में, थोड़ा सा और आगे बढ़ लेते हैं। पहले, जीन्स आर कंपोज्ड ऑफ डीएनए ओनली, जीन्स किसके बने होते हैं, डीएनए के बने होते हैं, ठीक है। ये तीन टाइप के होते हैं जीन्स, कौन कौन से, सिस्ट्रॉन, रिकॉन, म्यूटॉन, ठीक है, हाँ ओके। ये तीन टाइप हो गए इसके, तीन टाइप में से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है आपका, म्यूटॉन, क्लियर। इसके बारे में पढ़ेंगे, म्यूटॉन होता क्या एक्चुअल में, है ना। फिर उसके बाद, जेनेटिक्स कोड वॉज डिस्कवर्ड बाय एच जी खुराना, एच जी आई गेस हरगोविंद, ओके, हरगोविंद खुराना जो है ने क्या करा था, इसके कोड को जो है डिस्कवर किया था, क्लियर।
चलो अभी जो है आप मुझे बताओ, मैं आपको एक कहानी टाइप की सुनाता हूँ, है ना। आप मुझे बताना कि आप उससे क्या समझ पा रहे हो या आपके अंदाज से क्या होना चाहिए, है ना। एक कार में जो है हस्बैंड वाइफ दो लोग जा रहे हैं, ठीक है, और वाइफ जो है उसकी प्रेग्नेंट है। दोनों लोगों का एक्सीडेंट होता है, क्लियर। फिर उसके बाद जो मदर है ना, जो मदर है उसकी बॉडी पर निशान आ जाते हैं, है ना, मान के चलना उसको चोट लग जाती है। और जो लड़की है या मदर है वो प्रेग्नेंट है, तो क्या जो चोट के निशान उसको लगे हैं वो उसको भी आएंगे क्या? हेरिडिटी ट्रांसप्लांट जैसे बोलते हैं ना कि हमारे मम्मी और पापा की चीज़ें हमारे में देखने को मिलती हैं, अगर मम्मी पापा के बाल जो है कर्ली हैं किसी एक के, तो हमारे भी कई बार कर्ली हो जाते हैं, किसी के स्ट्रेट हैं तो स्ट्रेट हो जाते हैं, कई जो है गंजे जैसे पापा के जल्दी बाल उड़ जाते हैं तो बच्चों के भी उड़ने के चांसेस हो जाते हैं, है ना। कहते हैं कि कई बार क्या देखने को मिलता है कि जैसे माँ बाप जो है अगर मोटे हैं तो बच्चे में थोड़ा सा वो दिखेगा, है ना। अगर पापा के जल्दी बाल उड़ गए हैं तो ज़्यादातर होता है कि लड़कों में भी वो चीज़ देखने को मिल जाए, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें, तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि बच्चे के ऊपर वो चीज़ होगी या नहीं होगी, है ना। मैं कल जो है आपको मैं अपनी तरफ से एक्सप्लेनेशन दूंगा, है ना। इसमें थोड़ा सा फिजिकली और थोड़ा जो हेरिडिटी वाला है वो मेरा कॉन्सेप्ट थोड़ा सा और समझाऊंगा मैं, ठीक है। अब उसके बाद चलो आगे बात करते हैं। जो मेंडल ने, ठीक है, जो जॉर्ज मेंडल है हमारे, वो उन्होंने क्या एक थ्योरी दी थी, है ना। उस थ्योरी का जो है नाम जो है, या फिर हम बोलें इसको एक रूल इन्होंने जो है दिया था, क्या था, मेंडलिज्म इनहेरिटेंस रूल इसको कहते हैं हम, ठीक है। तो इसमें क्या इन्होंने बताया था, इसमें बताया था इन्होंने कि बेसिकली इसमें सात कैरेक्टरिस्टिक्स थी जिनके ऊपर ये रूल जो है बनाया, या फिर इनकी जो एक्सपेरिमेंट है वो हुआ, है ना। साइज, शेप, हाइट, कलर, है ना, सीड की जो है वो ब्रीड और उसका शेप कैसा है, ठीक है, उनकी फ्लावरिंग पोजीशन कैसी है, ये सारी चीज़ों पे क्या है, इस पर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, है ना। दो टाइप की मटर, येलो और ग्रीन को मिला के दोनों का कंबाइन करके एक्सपेरिमेंट किया तो हमें क्या देखने को मिला, ठीक है। कुछ दाने जो है, जैसे चार दाने हैं उसमें तो तीन जो है येलो हैं और एक ग्रीन है, तो वो सारी चीज़ें जो है इन्होंने करके दी, है ना। तो ये सारी चीज़ें क्या है आपको उसमें पढ़ने को या फिर उसमें मिलती हैं, ठीक है, किस में, हेरिडिटी वाले में, ठीक है, जीन्स के बारे में। तो यहाँ तक चीज़ें क्लियर हुई। जॉर्ज मंडल के बारे में तो अभी तक बता रहा था ये हैं कौन और इन्होंने इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स क्यों बोला जाता है ना। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने बिल्कुल ही चेंज कर दिया, है ना। चलो अभी आगे बढ़ते हैं, इसमें आपका एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। किसने दिया, फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है, ठीक है, और फिर उसके बाद आपका ये थ्री टाइप्स ऑफ जीन्स, है ना। इसमें म्यूटेंट जो है, म्यूटेंट के बारे में भी पढ़ने वाले हैं हम, म्यूटेंट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये जो है कोड किसने डिस्कवर करा इसका, वो था वो कौन थे, हरगोबिंद खुराना जी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, म्यूटेंट इट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डीएनए विच कैन अंडरगो म्यूटेशन, है ना। ये एक्चुअल में क्या होता है, जैसे आपके डीएनए हैं, डीएनए में कुछ चेंजेस हुए, है ना, कुछ चेंजेस हुए, जैसे मान लो आपको कोई बीमारी हो गई, कैंसर हो गया, है ना। तो कैंसर जो चेंज हो रहे हैं, ठीक है, जो आपके सेल्स के अंदर जो बदलाव आ रहा है उसको कहते हैं म्यूटॉन, म्यूटेशन या म्यूटॉन, ठीक है। तो ये वो है, आप समझ गए होंगे, है ना, क्या है, चेंजेस हुए हैं आपकी बॉडी में, आपके सेल में बदलाव आया, कुछ जैसे बीमारी या फिर ऐसी चीज़ हुई, ठीक है, जो कि आपको पापा से नहीं मिली, वो आपकी बॉडी में चेंज हुई है, पापा मम्मी से ना मिलते हुए आपकी बॉडी में चेंजेस हुए हैं, तो उसको क्या कहेंगे, म्यूटॉन बोलेंगे, क्लियर। फिर उसके बाद जो है आगे आप देखोगे इसमें रिकॉन, सिस्ट्रॉन और कॉम्प्लॉन, ये भी जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप जो है नॉलेज के लिए इनको पढ़ लेना, क्लियर। चलो ओके ओके क्रोमोसोम, अच्छा इस सेशन को यहीं तक रखते हैं, ठीक है, बाकी जो चीज़ें हैं वो हम आगे पढ़ेंगे, क्रोमोसोम, डीएनए, आरएनए, है ना, नेक्स्ट वीडियो में हम उस चीज़ को पढ़ते हैं, क्लियर, थैंक यू।